तो फ्रेंड्स आप योनो रेडम से वाउचर प्राप्त करने के लिए आप स्क्रॉल करके नीचे आए, देन उसके बाद SBI रिबेट्स पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आपके अकाउंट में 312 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जान लें एक पॉइंट्स का कितना अमाउंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट्स का 25 पैसा दिया जाता है। तो आप अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वाउचर प्राप्त करें। तो वाउचर प्राप्त करने के लिए आप रेडम नाउ पे क्लिक कर लें। आप डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें। कुछ देर वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको गिफ्ट एंड वाउचर पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद सबसे पहला ई कार्ट को सिलेक्ट कर लें। आप जिस भी वेबसाइट से शॉपिंग करना चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर लें। तो मैं आपको फ्लिपकार्ट या Amazon से ही रिकमेंड करूंगा जिससे आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्लिपकार्ट का वाउचर प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ई कार्ट गिफ्ट आ चुका है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं एक पॉइंट्स का 25 पैसा दिया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अमाउंट डाल दें। तो आप देख सकते हैं 75 रुपया डालने के बाद 300 पॉइंट्स आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। देन उसके बाद आई एक्सेप्ट वाउचर पे क्लिक कर लें। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। देन उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। देन उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके फोन पर एक OTP आएगी जिसे आप यहां पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और आपके Gmail ID पे वाउचर कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में डाल दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू सो मच, बाय।